वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमती श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो ये सीरीज आपकी जो चल रही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, इसका लेक्चर नंबर 2 है आज। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बुक को हम इस पूरी सीरीज के माध्यम से कवर अप करेंगे, तो जो ये बुक है आपकी आर के सिन्हा की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे, इसको हम इस पूरी सीरीज में कवर अप करेंगे, जो बेनिफिशियल होगा सारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए और इनफैक्ट जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं जो अपना लॉ कर रहे हैं अभी, उनको भी हेल्प मिलेगी। सो ऑलवेज स्टे ट्यून टू द सीरीज, हम इस पूरे ही बुक को कवर करेंगे इस पूरे सीरीज के माध्यम से। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि स्टडी आई की जुडिशरी प्रोवाइड करता है आपको कोर्सेज। यहाँ पे आपको जुडिशरी के कोर्सेज मिल रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आप मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट करते हो, एक से ज्यादा स्टेट को टारगेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगर बहुत सारे स्टेट की तैयारी आप एक साथ करना चाहते हो, तो आप हमारा जुडिशरी का महापैक ले सकते हो जो मिल रहा है आपको सिर्फ 11,999 रुपए में। और अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी करनी है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की तैयारी करनी है या सिर्फ राजस्थान की तैयारी करनी है, तो आप हमारा स्टेट स्पेसिफिक कोर्स भी ले सकते हो जो आपको मिल रहा है सिर्फ 9,999 रुपए में। और ये दोनों ही कोर्सेज आपको इस प्राइस पे तब मिलेंगे जब आप यूज करेंगे प्रोमो कोड SHR। तो प्रोमो कोड SHR यूज करके ही आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। SHR इज अ प्रोमो कोड जिससे आपको दोनों ही कोर्स को जब आप परचेज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमती श्रीवास्तव के नाम से, सिमिलरली इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज की सेशन की PPT मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे अपने, और कोई भी डाउट हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन या फिर कोर्स या फिर आपको सेशन पे कोई डाउट हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं इन दोनों में से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। आज इस लेक्चर 2 में हम कवर अप करने वाले हैं सेक्शन 3 आपका, जो बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रिटेशन क्लॉज? हमने हमेशा देखा है जितनी भी बेयर एक्ट हम खोल के देखते हैं उसमें सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज होती है। और वो क्यों दिया जाता है, क्या पर्पस है उसका? तो वहां पे डेफिनेशन क्लॉज में आपके कुछ टर्म्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। उस टर्म में डिफाइन कर दिया पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जाम्पल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक्सपायर्ड, कुछ भी ले लो, वहां पे डिफाइन कर दिया। तो अब जब भी आप इस पूरे एक्ट को पढ़ोगे, थ्रू आउट द एक्ट आप जब जब वो वर्ड यूज होगा तो उसका मीनिंग कहाँ से लिया जाएगा, डेफिनेशन क्लॉज से लिया जाएगा। इसी वजह से, इसी पर्पज से जो है पहले ही शुरुआत में ही डिफाइन कर दिए जाते हैं सारे टर्म्स जो भी पूरे एक्ट में यूज होने वाले। सिमिलरली इंटरप्रिटेशन क्लॉज का भी वही इंटेंशन होता है, वही मोटिव होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। द थिंग इज कि पहले ही कुछ टर्म्स को डिफाइन कर दिया गया है कि जब आप पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे, जहां जहां पे भी ये वर्ड आएंगे उसका मतलब आप कहां से उठाओगे, इंटरप्रिटेशन क्लॉज से उठाओगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा इंडियन एविडेंस एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरप्रिटेशन क्लॉज की तरह से आया है, बाकी एक्ट्स में डेफिनेशन सेक्शंस के हिसाब से आता है सेक्शन 2 में, राइट? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में डिफाइन कर रखा है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज। और यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, साथ में अटेस्टेड किसे कहते हो, आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, रजिस्ट्रेशन किसे कहोगे, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, राइट? सिमिलरली नोटिस क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, प्रॉपर्टी अटैच टू अर्थ क्या होता है। तो इस तरीके के कुछ टर्म्स आपके इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डिफाइन कर रखे हैं, जिसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टर्म, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर रखी, कंप्लीट तरीके से डिफाइन नहीं कर रखी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। सिर्फ इतनी सी चीज बता दी, ये नहीं बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, उसके लिए हमने हेल्प ली है जर्नल क्लॉजेस एक्ट के, जर्नल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 26 से, एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 6। इन दोनों ही एक्ट को हमने रेफर किया ये जानने के लिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि जब भी कोई टर्म अगर आपको एक्ट में डिफाइन नहीं पाया जाता है कि भाई डिफाइन नहीं कर रखा है एक्ट में, तो आप किसको रेफर करते हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट को रेफर करते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जानने के लिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि एक्सक्लूड क्या है वो तो ऑलरेडी बता रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, बट इंक्लूड क्या होगा
उसको जानने के लिए हमने रेफर किया किसको, जनरल क्लॉज एक्ट को अलॉन्ग विद दैट इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को, राइट। और हमने देखा कि ये सारी चीजें हमने इंक्लूड कर रखी हैं आपके इमोवेबल प्रॉपर्टी में। एंड व्हाट आर दोस थिंग्स, लैंड, सबसे पहले क्या आएगा इमोवेबल प्रॉपर्टी में, लैंड आएगा, जो भी बेनिफिट अराइज हो रहे हैं उस लैंड से वो आएगा, तीसरा जो भी चीज अटैच है आपके अर्थ से वो आएगा, थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब इसमें कुछ चीजें हैं, दैट इज थिंग्स एम्बेडेड इन अर्थ, या फिर थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ, एंड लास्टली थिंग्स रूटेड इन अर्थ। तो ये डेफिनेशन निकल कर आई कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होंगी। एक एक करके हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया एक कि एक्सेप्ट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास, ठीक है। तो ये चीज आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय लैंड। लैंड का क्या मतलब है, अर्थ के सर्फेस को हम कह सकते हैं लैंड, राइट। लैंड मीन्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब मान लो ये सरफेस है अर्थ का, तो इस पे कुछ, इसके ऊपर कुछ, इसके नीचे कुछ, इस सरफेस के नीचे कुछ या उसके ऊपर कुछ या सरफेस के ऊपर भी कुछ, वो सब किस में आएगा, आपके लैंड पे आएगा, ठीक है। अर्थ के सरफेस के ऊपर नीचे जो भी कुछ है वो किस, उसको उसको क्या मतलब है, उसका मतलब है कि वो लैंड में आ रहा है। और लैंड किस में आ रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लैंड कहते हैं, राइट। नाउ इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अपॉन द सर्फेस, सर्फेस के ऊपर कुछ भी है उसको हम क्या कह रहे हैं, लैंड कह रहे हैं। अंडर द सर्फेस ऑफ लैंड, इस लैंड के सर्फेस के कुछ भी नीचे है उसको हम क्या कह रहे हैं, लैंड कह रहे हैं। और साथ में अबव द सर्फेस, अगर लैंड के सर्फेस के ऊपर कुछ है उसको भी हम क्या कह रहे हैं, आपका लैंड की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो कुछ भी जो भी आपके लैंड के ऊपर है, लैंड के ऊपर है या लैंड के ऊपर है या उससे ऊपर है या फिर लैंड के नीचे है, उसको हम क्या कह रहे हैं, आपका उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं आपके इमोवेबल प्रॉपर्टी में। एनीथिंग अपॉन द लैंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट रिमूव फ्रॉम देयर। नाउ कुछ भी ऐसा जिसको आप रिमूव नहीं कर रहे हो, शैल बी द पार्ट ऑफ लैंड, उसको हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये लैंड का पार्ट है, एंड सच एज एन इमोवेबल प्रॉपर्टी, कि भाई वो इमोवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया यहाँ पे कि इमोवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, लैंड इंक्लूड होती है। तो लैंड के सरफेस पे कुछ, सरफेस के ऊपर कुछ या सरफेस के नीचे कुछ, जो कुछ भी है जिसको आप रिमूव नहीं कर रहे हो वो आपकी किस में आएगी, वो लैंड में आएगी। और लैंड को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, आपका इमोवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं। दस सोइल, मड, मिट्टी, ठीक है, मड डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ लैंड, अगर कोई मिट्टी डिपॉजिट हो गई है लैंड के सरफेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। नाउ अगर मान लो कोई पानी कलेक्ट हो गया है, किसी गड्ढे में पानी कलेक्ट हो गया है या पॉन्ड में वाटर कलेक्ट है या कोई रिवर है, तो वो सब क्या होगी, वो सब आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी। क्यों, क्योंकि रिवर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नदी बह रही है, ठीक है, अगर नदी बह रही है तो आप उसे कहोगे तो मूवेबल है क्योंकि वो बह रही है। बट देन अगेन सरफेस किसके सरफेस पे बह रही है, वो अर्थ की सरफेस पे, लैंड की सरफेस पे बह रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, राइट। द वाटर कलेक्टेड इन द पिट और एक्यूमुलेटेड इन अ पॉन्ड और अ लेक विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज द वॉटर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ। क्योंकि वो जो वॉटर है आपका, वो किसका पार्ट एंड पार्सल है, उस अर्थ सर्फेस का पार्ट एंड पार्सल है, इस वजह से उसको हम क्या कह रहे हैं, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। वॉटर फ्लोइंग इन द रिवर गिव्स द इम्प्रेशन दैट इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, आई एम सॉरी, इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, बट इट्स वॉटर ऑलवेज रिमेन्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। बट पानी तो उसका अर्थ की सर्फेस से ही रहता है ना, जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे तो नहीं अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दैट इज द रीजन, क्योंकि वो उसके साथ है, अर्थ सर्फेस के साथ बह रहा है पानी, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, आपके रिवर को इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। बट ऐसा लगता है देखने में कि वो जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। देयरफॉर ऑल द रिवर्स हैव बीन रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ लैंड एंड एज सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल दो द वॉटर इज मूविंग, बेशक वो पानी बह रहा है, सिर्फ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि वो अर्थ के सर्फेस से जुड़ के बह रहा है, ठीक है, तो उसके साथ लग के बह रहा है, इसी वजह से यहाँ पे उसको हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा है।
एवरीथिंग अंडर द सर्फेस ऑफ द लैंड इज ऑल्सो वॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो लैंड के सर्फेस के नीचे भी कुछ होगा उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल सब सॉइल्स हो गई, मिनरल्स हो गए, माइंस हो गए, वो सब आपके किसमें आएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरीज में आएंगे. चिकन को हम क्या कहेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे. नाउ मूविंग अहेड कि बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, इसका क्या मतलब है. मान लो आपके वो जो लैंड है उससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा. अगर आप उस लैंड के रिस्पेक्ट में कोई भी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप उस लैंड के रिस्पेक्ट में कोई भी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, बिसाइड्स लैंड द बेनिफिट विच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द लैंड, जो भी बेनिफिट एक इंसान को जमीन से मिलती है इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं. वन मे गेट अ बेनिफिट फ्रॉम द लैंड अंडर सम राइट, उसके पास कोई राइट है उस लैंड से अटैच्ड और उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, उसको भी हम क्या कह रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं. अ राइट बाय द एक्साइज ऑफ विच सच अ पर्सन गेट सर्टेन बेनिफिट इट्स कॉल्ड एज बेनिफिशियल राइट और द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. नाउ जो ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है, ये आपका जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनटैंजिबल और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जिसको आप छू नहीं सकते. ठीक है, दैट इज एन इनटैंजिबल, इसको आप बस फील कर सकते हो, छू नहीं सकते, राइट. तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी या इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी उसको हम रेफर करते हैं. नाउ यहाँ पे एक चीज समझो कि आपका कोई राइट है उस लैंड पे, ठीक है, और उससे अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी क्या, किस कैटेगरी में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाएगा, राइट. डज एनी राइट विच इज एक्सरसाइज ओवर अ लैंड, कोई भी राइट जो आपने लैंड पे एक्सरसाइज किया है, ठीक है, एंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ विच अ पर्सन गेट्स अ बेनिफिट, और वो राइट एक्सरसाइज करके उस पर्सन को कोई बेनिफिट मिलता है या कोई गेन होता है, दैट वुड बी हिज इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको आप क्या कहोगे, इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ अ लैंड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड हमने पहले ही देख लिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है. देयरफॉर इफ एनी राइट इज एक्सरसाइज बाय अ पर्सन अपॉन दैट लैंड, अगर कोई भी इंसान उस लैंड पे अपनी राइट एक्सरसाइज करता है और उसके बाद उसको कोई बेनिफिट होता है या कोई गेन मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं उस पर्सन. अब राइट ऑफ फेरी, राइट ऑफ फेरी क्या है, इसको ये आपका क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है. कैसे आता है उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि राइट ऑफ फेरी एक एग्जाम्पल है बस, इसके अलावा भी आपसे एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है, मतलब कौन से इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, कौन सा एक्सक्लूडेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी में. तो एक्सक्लूडेड की थ्री कैटेगरीज है वो तो हमने देख ली, बाकी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए और उसके लिए कंसेप्ट क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर्टिकुलर राइट जो है वो आपका इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है. इसको देखो ध्यान से, राइट ऑफ फेरी मीन्स राइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ऑन रिवर, कि भाई आप जो है अपनी फेरी चला रहे हो रिवर पे, नदी पे अपनी फेरी चला रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का राइट है आपके पास, राइट, रिवर पे या लेक पे बाय बोट और स्टीमर, अपनी बोट या स्टीमर चला रहे हो, ठीक है, दैट इज व्हाट इज राइट ऑफ फेरी, राइट. राइट ऑफ फेरी मीन्स राइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, भाई एक बस राइट है ट्रांसपोर्टेशन का, आप अपने बोट और स्टीमर को मस्त चला रहे हो रिवर पे. नाउ सिंस रिवर और लेक वाटर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिवर और लेक वाटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि वो अर्थ सर्फेस से अटैच्ड है, अर्थ सर्फेस के ऊपर से है, ठीक है, और हमने देख लिया अर्थ सर्फेस पे, अर्थ सर्फेस के ऊपर, अर्थ सर्फेस के नीचे, सब कुछ किस में आएगा, लैंड में आएगा, और लैंड क्या है आपकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिवर और लेक आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है. एंड द बोट्स और स्टीमर्स आर यूज्ड ऑन सच वाटर, उस पानी के ऊपर ही आप बोट चला रहे हो या फिर अपना स्टीमर चला रहे हो, देयरफॉर राइट ऑफ फेरी हैज बीन हेल्ड टू बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसी वजह से इसको हमने क्या कहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा है, राइट. तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या राइट्स हैं आपके और क्या वो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है या फिर आपके इंटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं, राइट. नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट देखते हैं थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, तो अर्थ से जो कुछ भी अटैच्ड है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा. अब इसमें तीन चीजें हैं आपकी, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, डीपली डग्ड रूटेड, ठीक है, या आपने बहुत डीप डाउन डग कर रखा है कोई चीज, उसको हम क्या कह रहे हैं, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ. Things attach to what is so embedded. तो जो चीज embedded है, जो चीज dug है, उससे कोई चीज अगर attach है, उसको भी हम क्या कह रहे हैं, आपका land कह रहे हैं, immovable property कह रहे हैं.
ठीक है, एंड थिंग्स रूटेड इन दी अर्थ, और जो भी आपका चीज रूटेड है, जो उग रहा है वहां से, उसकी डीप रूट्स जा रही है अर्थ में, उसको हम क्या कह रहे हैं, थिंग्स अटैच टू अर्थ, कि भाई ये सारी चीजें आपकी अटैच है अर्थ में, जिसको हम लैंड कंसिडर कर रहे हैं. राइट नाउ द एक्सप्रेशन थिंग्स अटैच टू अर्थ को अलग से डिफाइन कर रखा है. Things attached to earth को interpretation clause में अलग से separately transfer property act में define कर रखा है. Things attached to earth means these three things. Now one by one we'll be seeing things embedded in earth का क्या मतलब है. Now things embedded in earth का मतलब ये है कि जो चीज fixed है firmly, मतलब अच्छे तरीके से उसमें fixed है, deep dug करके fix कर रखी है आपने, कोई दीवाल हो गई, घर हो गया, ये सब क्या है, things embedded in the earth. अब ऐसा तो है नहीं आप उठा के घर को ले जाओगे कहीं और, ऐसा तो है नहीं, वो डेव आपका अच्छे तरीके से फिक्स कर रखा है, फॉर्मली आपने फिक्स कर रखा है उसको अर्थ में, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द लैंड, और वो एक पार्ट हो गया है लैंड का, इस वजह से वो क्या है, उसको हम क्या कह रहे हैं, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ. राइट, फॉर एग्जाम्पल हाउस, बिल्डिंग्स, वॉल्स और इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सब आपके वहां पे फॉर्मली फिक्सड है, आपका घर फॉर्मली फिक्स्ड है, वो अटैच इस तरीके से लैंड से. राइट, आप ऐसे उठा के घुमा नहीं सकते घर को अपने. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए आपके, वो डीप डाउन डक कर रखे हैं, उसको गाड़ के खड़ा कर रखा है, कोई घर हो गया, कोई वॉल हो गई, कोई दीवार हो गई, मतलब ये सारी चीजें आपकी क्या है, थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ, दीज थिंग्स आर एम्बेडेड इन दी अर्थ. नाउ वॉल्स एंड हाउसेस आर नॉट जस्ट प्लेस्ड ऑन द सर्फेस, ऐसा तो है नहीं कि उठा के रख दिया है हमने वहां, कि भाई लैंड सरफेस पे हमने उठाया घर और घर उठा के रख दिया, ऐसा तो नहीं है. यहाँ पे उसको जो है डीप डग कर रखा है, ठीक है, इट्स डग डीपली इन दी लैंड, तो इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं कि थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ, इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं कि ये जो है होल स्ट्रक्चर को पूरी परमानेंटली तरीके से आपने फिक्स कर रखा है, कि भाई पूरे घर को आपने परमानेंटली एकदम फर्मली फिक्स कर रखा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, थिंग्स एम्बेडेड इन दी अर्थ. राइट, Now things attached to what is so embedded in the earth. अब अगर मान लो कोई चीज embedded है earth में, उससे related कोई भी तो कोई चीज उससे attached है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं आपका, things attached to what is so embedded in the earth. Now where there is a thing attached to something which is embedded in the earth. मान लो कोई चीज है आपकी जो earth में embedded है, फॉर्मली फिक्स्ड है, ठीक है. अब मान लो ये अर्थ है, इस पे कोई चीज जो है फॉर्मली फिक्स कर रखी है. नाउ कोई चीज इस चीज से अटैच है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, थिंग्स अटैच टू व्हाट सो एम्बेडेड इन द अर्थ. नाउ जस्ट रीड आउट वंस अगेन दैट व्हाट वेयर अ थिंग इज अटैच टू समथिंग व्हिच इज एम्बेडेड इन द अर्थ फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट. अब मान लो कि कोई चीज इस लैंड, ये लैंड सर्फेस है, इस पे कोई चीज एम्बेडेड है, फॉर्मली फिक्स्ड है, फॉर एग्जाम्पल घर. अब इस घर से कोई चीज रिलेटेड है, ठीक है, इस उस चीज, जो चीज आपकी फिक्स कर रखी है सरफेस पे, या फिर यहाँ पे जो घर बना रखा है उससे कोई चीज अगर अटैच है, तो उसको ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड. व्हाट इज सो एम्बेडेड है, घर. अब इससे कोई चीज अटैच होगा तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा. जैसे मान लो कोई आपका खिड़की हो, विंडोज हो गए, डोर्स हो गए आपके, जो आपने परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए लगाया हो, जो आपने परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए लगाया हो, द थिंग्स सो अटैच वुड आल्सो बिकम व्हाट, इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो जो चीज उस चीज से जो एम्बेडेड है, उस चीज से जो चीज अटैच्ड है, उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे. राइट, डोर्स, विंडोज, शटर्स ऑफ द हाउस आर अटैच टू इट्स वॉल, वो उसके वॉल्स हैं, थिंग्स सो एम्बेडेड क्या है यहाँ पे एग्जांपल में, वॉल है. अब वॉल है, उससे कोई चीज जो रिलेटेड होगी, उससे चीज कोई चीज जो अटैच्ड होगी, जो आपने अटैच करी है किस पर्पस के लिए, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए आपने वो चीज अटैच करी है, उस चीज से जो ऑलरेडी एम्बेडेड है अर्थ में, तो उसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोर्स हो गए आपके, विंडोज हो गए, शटर्स हो गए घर के, वो अटैच है वॉल से फॉर इट्स परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, कि भाई आप उसको परमानेंटली एंजॉय करोगे, बेनिफिशियल, अपने बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए आपने वो लगाया है. राइट, ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, कि भाई आप उसको एंजॉय करोगे, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा. राइट, देयरफॉर द डोर्स, विंडोज, शटर्स आर रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसी वजह से हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. राइट, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ आर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे बिकम द पार्ट ऑफ द लैंड. क्यों हम उसको कह रहे हैं कि कोई चीज जो है आपकी एम्बेडेड है अर्थ में, तो हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट बन गई है लैंड की, उस लैंड का वो पार्ट हो गई है. तो जो चीज आपकी परमानेंटली अटैच करी जाती है, ठीक है, अब मान लो कोई चीज परमानेंटली आपकी अटैच है,
अर्थ से, तो ऑलरेडी कोई चीज एम्बेडेड है अर्थ में, लैंड पे, ठीक है, उससे कोई भी चीज अगर रिलेटेड होगी, उस चीज से कोई चीज अटैच होगी, तो उसको भी हम इमोवेबल प्रॉपर्टी में कहेंगे, क्योंकि वो पार्ट बन जाएगा उस लैंड का। बट यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि आपने उसको परमानेंटली बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए लगाया हो, ठीक है, अटैच परमानेंटली एंड मस्ट ऑल्सो अटैच फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। आपने उस चीज को, जो चीज आपने एम्बेडेड चीज के ऊपर कोई चीज अटैच्ड है, जैसे मान लो घर है, उसमें आपने डोर लगाया है या फिर वॉल्स लगाई हैं, सॉरी या फिर वो खिड़कियां विंडोज लगाई हैं, तो उनको हम परमानेंटली तभी मानेंगे, हम उनको तभी कहेंगे कि थिंग्स अटैच्ड टू सो व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, हम तभी कहेंगे उस कैटेगरी में, हम तभी फॉल कराएंगे जब आपने उसको उस इंटेंशन से लगाया हो कि वो परमानेंटली आपने फिक्स किया है वहां पे और आपने उसको अटैच किया हो फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द हाउस और बिल्डिंग। नाउ थिंग्स अटैच विदाउट एनी इंटेंशन, अगर आपकी ये इंटेंशन नहीं कि आप इसको परमानेंटली लगा रहे हो, तो फिर वो आपका इमोवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। थिंग्स अटैच विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ द हाउस और अ बिल्डिंग नॉट टू बी इमोवेबल प्रॉपर्टीज, तो फिर आप उसको इमोवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं डालोगे। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर कोई वॉल हो गई, विंडो स्क्रीन्स हो गई, या कोई भी आर्टिकल्स हैं आपके घर में जिनको आपने इस इंटेंशन से लगाया है कि ये परमानेंटली यूज करने के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए लगाया है, सिर्फ डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज लगा रखी है, तो वो सब आपकी इमोवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। नाउ द थर्ड कैटेगरी जो इस डेफिनेशन में आती है, दैट इज थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, उसके रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, सोइल से आ रहे हैं, अर्थ से आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ट्रीज प्लांट्स श्रब्स विच ग्रोज ऑन लैंड, जो उगते ही लैंड पे हैं, आर वॉट आर योर थिंग्स विच आर रूटेड इन द अर्थ, उनको आप क्या कहोगे कि भाई वो अर्थ में रूटेड है, वहीं से वो लैंड से ही निकल रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स दे कीप देम सेल्फ फिक्स्ड इन द अर्थ, वो अपने रूट से अपने आप को अर्थ में फिक्स्ड रखते हैं, ठीक है, उसी से ग्रो हो रहे हैं वो, राइट, वो अटैच्ड है अर्थ से एंड बिकम द पार्ट ऑफ लैंड, और इसी वजह से वो क्या है, लैंड का एक पार्ट होते हैं, और इसी वजह से हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं। नाउ ध्यान से सुनना, अंटिल कट डाउन, अगर आपने उन्हें काट दिया तो मूवेबल प्रॉपर्टी जाएंगे, तब तक आप उन्हें काट नहीं रहे हो तब तक वो क्या होंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। अंटिल कट डाउन द ट्रीज आर परमानेंटली अटैच टू द लैंड, जब तक आप उन्हें काट नहीं रहे हो, पेड़ों को काट नहीं रहे हो, तब तक क्या है, वो लैंड से अटैच है, और अगर वो लैंड से अटैच है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। Therefore, a general rule is that in respect of all the trees, plants, herbs, and shrubs, is that they are immovable property. General rule क्या है? जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके, shrubs, plants, जितने भी हैं, ये सब क्या है? ये सब immovable property है. क्यों है? क्योंकि इनके roots जो हैं, वो earth में attached हैं और वो एक form कर रहे हैं part land का. इस वजह से ये क्या है? आपकी immovable property है. ये है एक general rule. However, there is an exception. इसका एक exception है, जिसमें आपके लिए स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास आता है। क्यों ऐसा एक्सेप्शन क्यों बनाया है वो भी एक बार देखो। दैट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास दो रूटेड इन द अर्थ, वो बेशक उनके भी रूट्स अर्थ से ही आ रहे हैं, वो भी अटैच है, वो भी पार्ट है लैंड का, आर मूवेबल प्रॉपर्टीज, इवन दो उनके रूट्स हैं अर्थ में, फिर भी उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, कोई ग्रीन प्लांट है, उसकी लकड़ियां काम आने वाली है फर्नीचर के लिए, अगर आपको फर्नीचर बनाना है या कुछ भी बनाना है, कुछ भी वुड्स का आइटम रिलेटेड कुछ भी बनाना है, लकड़ी का कुछ भी बनाना है, अगर आपको उसकी लकड़ियां उसके लिए काम आ रही हैं, तो वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। नाउ स्टैंडिंग टिम्बर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, अ ग्रीन ट्री फुटेड इन द अर्थ इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग टिम्बर, उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं, प्रोवाइडेड इट्स वुड आर जनरली यूज फॉर टिम्बर पर्पस, कि भाई आपको टिम्बर पर्पसेस के लिए चाहिए, मतलब घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए चाहिए, तो अगर उसकी लकड़ियां आपको इस पर्पस के लिए चाहिए तो आप उसको क्या कहोगे, मूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे। नाउ इफ देयर इज अ ट्री द वुड्स ऑफ विच आर फिट टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज, फर्नीचर्स, द सेम ट्री विच अंडर जनरल रूल इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है कि जो ट्री कि जो वुड्स है, अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है किस पर्पस के लिए, घर बनाने के पर्पस के लिए, फर्नीचर बनाने के पर्पस के लिए, डोर्स बनाने के लिए, विंडोज बनाने के लिए, अगर किसी भी पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपके किस कैटेगरी में आएगी, वो जनरल रूल से आपका एक्सेप्शन में आ जाएगी। जनरल रूल क्या है कि कोई भी चीज जो भी रूटेड है अर्थ में उसको हम क्या कह रहे हैं, इमोवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। बट द मोमेंट अगर आप उसका उसकी जो रूट्स है
आप उसको सिवियर कर दोगे, अलग कर दोगे, काट दोगे, अगर लकड़ी को काट दोगे, उस पेड़ को काट दोगे और उस लकड़ी को इस्तेमाल करोगे इन सारी चीजों को बनाने में, तो उसको हम क्या कहेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल वुड्स ऑफ शीशम, शीशम बहुत फेमस लकड़ी है, हम कहते हैं फर्नीचर से बनता है, अच्छा फर्नीचर होता है, राइट। नीम, बबूल और टीक ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग हाउस, डोर्स, टेबल्स और चेयर्स, देयरफॉर दीज ट्रीज हैव बीन हेल्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इस वजह से, क्योंकि इनकी लकड़ियां इस्तेमाल हो रही है सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, कुछ कुछ चीजें दरवाजा घर ये सब बनाने के लिए यूज हो रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। ऑल दो दे आर रूटेड इन दी अर्थ, हम इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वो रूटेड नहीं है अर्थ में, रूटेड तो है अर्थ में, बट अगर किसी भी पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करना है कुछ बनाने में, तो उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। नाउ बैम्बू ट्रीज हैव नो यूटिलिटी एक्सेप्ट दे मे बी यूज इन मेकिंग हाउसेज और एज पोल्स, देयरफॉर बैम्बू ट्रीज हैव बीन हेल्ड टू बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी कह रहा है कि बैम्बू ट्रीज का कोई ऐसा कोई खास यूटिलिटी नहीं है, बस एक्सेप्ट मेकिंग हाउसेज या फिर पोल्स बनाने के लिए काम आती है, तो इस वजह से इसको भी हम क्या कह रहे हैं, आपका मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं, क्लियर। नाउ अब जो फ्रूट्स हैं, जो पेड़ पे फ्रूट्स उगते हैं, क्या आप उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे या इमूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे? अगर मान लो कोई भी ट्री है जिसपे आम उग रहे हैं, ठीक है, या फिर अमरूद उग रहे हैं, तो उसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे, उसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कहोगे। नाउ दे आर प्लांटेड एंड ग्रोन फॉर ट्रेकिंग फ्रूट्स, कि भाई किस किस पर्पस के लिए आपने उसको उगाया है, अगेन इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आपने किस पर्पस के लिए उगाया है उसको, ताकि वो आपको फल फूल दे, ताकि वो आपको आम दे, आम का पेड़ लगाया है आपने आम खाने के लिए या फिर अमरूद के लिए, फॉर देम एंड नॉट फॉर टेकिंग देयर वुड, आपकी इंटेंशन क्या थी जब आपने पेड़ लगाया, आपकी इंटेंशन थी कि भाई आप उसके फ्रूट्स लेने हैं, आपको उसको फ्रूट्स एंजॉय करने हैं इसके, इसलिए अगर आपने वो पेड़ लगाया है और इस इंटेंशन से नहीं लगाया है कि आपको उसकी लकड़ी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या होगा, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ इंटेंशन हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास, अगर ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास की बात करें, तो ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप हो गया, ग्रास हो गया, ये मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आते हैं, पहले ही इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर रखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, राइट। नाउ क्यों है ऐसा, क्यों ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स तो आखिरकार उग तो लैंड पे ही रहे ना, तो उनको क्यों एक्सक्लूड कर रखा है? द रीजन इज कि क्रॉप उगने के बाद कटने ही है, ये तय है कि वो कटेगा, द मोमेंट आप कोई भी चीज सिवर कर देते हो, अलग कर देते हो, काट देते हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है, राइट। तो ऑल दो द क्रॉप सेज ऑफ वीट और एग्जाम्पल बारले आर नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स रूटेड इन द फील्ड, येट दे आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कह रहे हो, बेशक क्रॉप उग तो लैंड पे रहा है, बट उनको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कह रहे हो। एवरी क्रॉप इज बाउंड टू बी कट, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने चावल उगाए या फिर गेहूं उगाया और उसे काटा ही नहीं, ठीक है, हर क्रॉप जो भी आप उगा रहे हो उसको आपको काटना ही है, ऑफकोर्स काटोगे तभी तो आगे सप्लाई करोगे, तभी तो लोगों के पेट भरेंगे, राइट। तो हर क्रॉप को काटना ही है, उसको आपको मार्केट में देना ही है बेचने के लिए, दिस हैज टू बी कट इन नियर फ्यूचर, इस वजह से आप इसको क्या कह रहे हो, इसको कह रहे हो आप मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको आप क्या कह रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी। द क्रॉप्स इन द फील्ड हैव नो यूज एक्सेप्ट देयर प्रोड्यूस, इससे कुछ और प्रोड्यूस होगा, तो इस वजह से ग्रोइंग क्रॉप्स को हम क्या कह रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। लाइक क्रॉप्स, ग्रास के साथ भी यही है, अब ग्रास जो है वो ऑफ कोर्स यूज होगी एज फॉडर, ठीक है, बकरी आके चरेंगी उसको, गाय आके चरेंगी उसको, राइट, तो फॉडर के लिए उसका इस्तेमाल होना है, इस वजह से वो भी कट के दिया जाएगा जानवरों को खाने के लिए, तो वहां पे क्योंकि उस ग्रास को काटा जा रहा है, इस वजह से उसको हम क्या कह रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं। लाइक क्रॉप्स, ग्रोइंग ग्रास रूटेड इन द अर्थ इज आल्सो अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रास इन द फील्ड हैज नो अदर यूटिलिटी एक्सेप्ट दैट इट कुड बी यूज फॉर फॉडर फॉर द कैटल्स, कि भाई कैटल उसको खाएंगे, उनका चारा बनेगा ये, फॉर दिस रीजन इज बाउंड टू बी कट डाउन और गेज्ड बाय सम एनिमल्स, इसी वजह से इसको काटा जाता है और उनको खाना खिलाया जाता है, और यही एक वजह है क्योंकि उनको काट के खाना दिया जाता है जानवरों को, इस वजह से इसको हमने क्या कहा, मूवेबल प्रॉपर्टी कहा। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टर्म व्हिच हैज बीन यूज्ड, ये तो हो गया लैंड के बारे में, ठीक है, लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया कि लैंड का क्या मतलब है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड में क्या क्या आएगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है बेसिकली, राइट, और लैंड क्या होता है, थिंग्स अटैच टू अर्थ क्या होता है, उसके अंदर सारी चीजें हमने देख ली और ये एक्सेप्शन उसके कवर अप कर लिए। नाउ मूविंग अहेड टू द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है, देखो इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ पे इंडियन स्टैम्प एक्ट में भी डिफाइन कर रखा है इस टर्म को, डिफाइन कर रखा है,
सेक्शन 3 में भी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इस टर्म को डिफाइन किया गया कि भाई इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जिससे किसी पर्सन के कोई राइट्स लाइबिलिटीज क्रिएट किए जाते हैं, एक्सटेंशन किए एक्सटिंग्विश किए जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं, ठीक है, या फिर हटाए जाते हैं। तो मतलब एक राइट्स और लाइबिलिटीज किसी के पर्सन के की कहां पे दे रखी होती है, अगर एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। नाउ इंस्ट्रूमेंट मींस अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पे द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड थ्रू एनी रिटन डॉक्यूमेंट। भाई आप प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करते हो तो उसको कैसे करते हो, एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हो, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट। अब आपने प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफर करी तो ऑफकोर्स किसी पर्सन के फेवर में कोई राइट क्रिएट किया, राइट, आपने लाइबिलिटीज राइट्स, तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई राइट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट कर रखी हैं, एक्सटेंड कर रखी हैं, एक्सटिंग्विश कर रखी हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो ऑफकोर्स आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू, उसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना अलाउड होगा। अब सेक्शन 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स की। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जहां पे पार्टीज आपस में एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाकर और इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, लिविंग पार्टीज, ठीक है, लिविंग पार्टीज उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करती हैं और फिर उसको रजिस्टर्ड करती हैं। तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स पे ही जो है उसको ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विल यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज क्लियरली मीन्स दैट द टर्म इंस्ट्रूमेंट एज यूज्ड अंडर दिस एक्ट मीन्स ओनली नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो लिविंग पार्टीज ने बनाए हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो लिविंग पार्टीज ने बनाए हैं। यहाँ पे टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स लाइक विल एक्सक्लूड कर रखा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और विल टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। अब यहाँ पे अगर हम टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो कब इफेक्ट में आता है, जब एक पार्टी की डेथ हो जाती है, राइट, और यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्न करता है एक्ट ऑफ पार्टीज को, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्न करता है एक्ट ऑफ पार्टीज को, ये मैं पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है अगर हम बात करें टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट पे, उस पे आपका एप्लीकेबल नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ और सिर्फ मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिस्पेक्ट में नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जहां पे वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, क्लियर। इसलिए यहाँ पे विल को एक्सक्लूड किया गया है। Now the transfer of property is applicable only to transfers taking place between living persons. मैंने बताया कि act of the parties है यहाँ पे, जो भी transfers दो living person के बीच में हो रहे हैं उसी को govern करता है आपका transfer of property act। इसी वजह से जो instrument की definition है यहाँ पे उसको बहुत clear कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ include करेगी non-testamentary instrument where the transferor and the transferee both are alive on the date of transfer, जहाँ पे दोनों ही alive हैं, दोनों पार्टीज आपकी जिंदा हैं, अलाइव हैं, और फिर वो जिंदा है किस दिन पे, ट्रांसफर के दिन पे उनको जिंदा होना जरूरी है, दे मस्ट बी अलाइव ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर, उन्हीं को गवर्न करता है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, मरे हुए लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसी वजह से विल को एक्सक्लूड कर दिया, इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसफर जो विल्स के अंडर होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कवर अप नहीं किए जाते, राइट। अकॉर्डिंगली द टर्म इंस्ट्रूमेंट एज यूज्ड अंडर दिस एक्ट मींस ओनली दैट डॉक्यूमेंट व्हिच ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन, जो वो डॉक्यूमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को दो लिविंग पर्सन के बीच में, उस पे ही आपका एप्लीकेबल होता है, और वही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट, इसी वजह से ये वर्ड यूज किया गया है कि उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ही आएंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है दो लिविंग पर्सन के बीच में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखो अटेस्टेड का क्या मतलब होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये अटेस्टेड, बहुत बार हमने पढ़ी भी होगी। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पार्टी वन है पार्टी टू है, तो ये क्या हो गए, एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स हो गए ये, राइट। अब यहाँ पे इसने साइन किया, यहाँ पे इसने साइन किया, तो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया। अब यहाँ पे विटनेसेस का साइन करना जरूरी होता है, यहाँ पे विटनेसेस का साइन करना जरूरी होता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है आपका। यहाँ पे जैसे ही एग्जीक्यूटर्स ने टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट पे साइन किया, पार्टी वन ने साइन किया, पार्टी टू ने साइन किया, ये एग्जीक्यूटर्स हैं, और ये क्या हो गया, पूरा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इस एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को जिसने विटनेस किया, जिसने देखा है, जिसके सामने यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स ने साइन किया है, ठीक है, एग्जीक्यूटेंट्स ने साइन किया है,
वो विटनेस करते हुए जिन पर्सन ने देखे हैं उसके सिग्नेचर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, अटेस्टेशन। उन विटनेसेस को हम क्या कहेंगे, अटेस्टिंग विटनेसेस कहेंगे। तो यहाँ पे अटेस्टेशन का, अटेस्टेशन को हम क्या कह रहे हैं, अटेस्टेड को हम कब कब कहते हैं कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, जब विटनेसेस जो है साइन कर देते हैं और उन्होंने ये जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है उसको विटनेस किया, राइट। अब प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर आइदर ओरली प्रॉपर्टी आप ओरली ट्रांसफर कर सकते हो कि भाई आपने जो है सिर्फ पोजेशन डिलीवर कर दिया, या फिर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, राइट। या फिर आप जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है, जहां पे ट्रांसफरर को आप क्या कहते हो, ट्रांसफरर एग्जीक्यूट करता है डीड को, और जो ट्रांसफरर जो एग्जीक्यूट करता है डीड को उसको हम एग्जीक्यूटेंट कहते हैं, उसको हम एग्जीक्यूटेंट कहते हैं, जो ट्रांसफर कर रहा है डीड को उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेंट कहते हैं, राइट। नाउ आगे देखो, इट इज नेसेसरी दैट अंडर द लॉ दैट टू पर्सन मस्ट अफर्म। अब यहाँ पे दो लोग जिन्होंने साइन किए, यहाँ पे ये जो साइन हुए हैं यहाँ पे, ये दो लोगों ने इसको अफर्म किया हो और बिकम विटनेस टू द फैक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग। अब जो भी बात यहाँ पे एग्जीक्यूटेड ने लिखी है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, जिस पे पी वन ने, पार्टी वन और पार्टी टू ने साइन किए हैं, इसको जो साइन करते हुए इन इस विटनेसेस ने देखा हो, एग्जीक्यूटेंट को साइन करते हुए विटनेसेस ने देखा हो, राइट, दो विटनेसेस ने देखा हो, and nobody else has written or signed the deed of transfer. अब यहाँ पे इनको देखना या witnesses के sign कराना या witnesses के सामने execution कराने का purpose बस इतना सा होता है, ये basic object होता है उसके पीछे, कि बाद में executant ये ना कहे, कोई भी executant ये ना कहे कि भाई मेरे से दबाव में sign करा लिए, या मुझे पता नहीं था, या I was not aware of it, या मेरे ऊपर coercion था, undue influence था, ये सब ना कहे, इसी वजह से यहाँ पे witness का signature कराना जरूरी था, और witness से कहा जाता है कि वो execution process को witness करे, और वही जो विटनेस जो ये पूरे एग्जीक्यूशन प्रोसेस को विटनेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, अटेस्टिंग विटनेस कहते हैं। द एक्ट ऑफ गिविंग एविडेंस और बिकमिंग विटनेस इज कॉल्ड अटेस्टेशन, एंड व्हेन दीज टू पर्संस हैव डन सो द डीड इज सो द डीड इज सेड टू बी हैव बीन अटेस्टेड, कि भाई अब ये डीड जो है अटेस्ट हो गई, जब ये दोनों लोग जो इसको साइन कर देते हैं, दोनों विटनेसेस जो है इसको साइन कर देते हैं, देख लेते हैं पूरे एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को, तो वो क्या कहते हैं कि वो डीड जो है वो अटेस्ट कर दी गई है। नाउ दीज विटनेसेस आर कॉल्ड एज अटेस्टिंग विटनेस, इसको ही हम कहते हैं अटेस्टेशन, अटेस्टेड, कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है अटेस्ट हो गया है, जब दो विटनेसेस ने उसको जो है साइन कर दिया है, एग्जीक्यूशन की प्रोसेस को विटनेस किया है, और बाद में आगे जाके जब भी मान लो डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये अटेस्टिंग विटनेस जाके वहां पे गवाही भी दे सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, क्लियर। नाउ रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, रजिस्टर्ड का क्या मतलब होता है, देखो अब रजिस्ट्रेशन में जो प्रोसेस है आपका, वो आपके इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में बहुत क्लियरली दे रखा है, राइट। ऑफिशियली जब आप किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करते हो, तो रजिस्ट्रार जो है वो उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेता है, तो डॉक्यूमेंट क्या माना जाता है कि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है, राइट। कुछ डॉक्यूमेंट्स में कंपल्सरी होता है रजिस्ट्रेशन कराना, कुछ में ऑप्शनल होता है। अब यहाँ पे यही बात कह रखी है कि जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर होता है, right? Now, when a document is registered, it becomes an important and a valuable evidence. तो अगर एक बार कोई document आपका register हो गया है, तो वो एक valuable evidence बन जाता है, और एक important evidence होता है regarding the statements made in the document. तो जो कुछ भी आपने उस document में लिख रखा है, उसके लिए अगर वो document registered है, तो वो आपका एक valuable evidence हो जाता है, कि भाई जो भी बात आपकी आपने कही है, वो उसमें डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, और वो क्योंकि वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तो आप उसको आसानी से कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ कर सकते हो। नाउ अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सर्टेन ट्रांसफर मस्ट बी मेड ओनली थ्रू अ रजिस्टर्ड डीड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चीज क्लियरली लिख रखी है कि कुछ जो आपके ट्रांजेक्शन है, जो भी कुछ आपको कुछ चीजें करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अलाउड है रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन से ही, मतलब रजिस्टर्ड डीड से ही, ठीक है। कुछ सर्टेन ट्रांसफर ऐसे दे रखे हैं जहां पे आपको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट ऑफ एन इमोवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। किसी भी वैल्यूएशन की गिफ्ट हो, अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी की, कोई भी वैल्यूएशन हो इमोवेबल प्रॉपर्टी की, अगर आप उसको गिफ्ट कर रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर आप सेल कर रहे हो किसी इमोवेबल प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, तो उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। सिंपल मॉर्गेज है, तो उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। ये और सिर्फ तभी, ये तभी आप ऐसे ट्रांसफर्स कर सकते हो जब आप उसको रजिस्टर कराओगे, उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराओगे। मेड थ्रू ओनली
डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड एंड रजिस्टर्ड। जब वो डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड होगा और रजिस्टर्ड होगा तभी ऐसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, राइट। तो कुछ ट्रांजेक्शन है आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। नाउ इन अदर वर्ड्स द डीड ऑफ सच ट्रांसफर्स आर कंपल्सरी रजिस्टरेबल। हम कह सकते हैं कि भाई इसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो सेक्शन 17 आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का प्रोवाइड करता है एक पूरी लिस्ट जहां पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। और सेक्शन 18 सेम एक्ट का बताता है कि कहां कहां पे ऑप्शनल होता है कि भाई विल में आप इट इज ऑप्शनल। सिमिलरली सेल ऑफ एमर प्रॉपर्टी जिसमें वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है उसमें ऑप्शनल है, ठीक है, उसमें ऑप्शनल है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है, वो आप कर सकते हो ओरली भी, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन डिलीवर करके भी, राइट। नाउ वेयर द डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरी रजिस्टरेबल बट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड। अगर मान लो जहाँ पे उस लिस्ट में सेक्शन 17 में जो दे रखी है, जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में दे रखा है, उसमें जो लिस्ट दे रखी है कि इन डॉक्यूमेंट्स को आपको रजिस्टर कराना ही है हर हालत में, गिफ्ट हो गया इमोवेबल प्रॉपर्टी का, सेल हो गई किसी प्रॉपर्टी की, इमोवेबल प्रॉपर्टी की जो इसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है, अब इस पर आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। और अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो फिर वो वैलिड नहीं होता और कोर्ट फिर उसको कंसीडर भी नहीं करती, उस ट्रांसफर को रिकॉग्नाइज भी कोर्ट नहीं करती है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। नाउ जब डॉक्यूमेंट आपका एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद आपको 4 महीने दिए जाते हैं एज पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कि आपको उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना है। बट वेयर द रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, जैसे मान लो अगर कहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, आप उसको ओरली भी कर सकते हो, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड माना जाता है। बट जहां पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है और आपने नहीं कराया है तो वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड नहीं माना जाता है और कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। नाउ नेक्स्ट इज नोटिस। अब नोटिस का क्या मतलब है? बेसिकली नोटिस का मतलब है कि जहाँ पे किसी फैक्ट की नॉलेज होना किसी पर्सन को, कि नॉलेज है या फिर इंफॉर्मेशन है किसी फैक्ट की, उसको हम क्या कह रहे हैं? नोटिस। कि भाई नोटिस मिल गया आपको। अगर फॉर एग्जांपल जनरल लीगल पार्लेंस में बात करें अगर हम, तो क्या होगा कि भाई नोटिस क्या है कि आपको किसी भी बात की नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? नोटिस कह रहे हैं। वेर अ पर्सन हैज नॉलेज ऑफ एनी फैक्ट, जहां पर किसी पर्सन को नॉलेज होती है किसी फैक्ट के रिस्पेक्ट में, और इट कुड बी प्रूव दैट अंडर सर्कमस्टेंसेस He must have the knowledge, या जहाँ पे आपको प्रूफ करना होता है कि पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में कि उसके पास नॉलेज होगी उस फैक्ट की, he has said to have notice. तो फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास नोटिस है उस पर्टिकुलर फैक्ट का, राइट। नाउ इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ दैट अ पर्सन हैज अ नोटिस, अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कोर्ट में, कोर्ट के आगे, कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास नोटिस था, उसको नॉलेज थी, उसको इन्फॉर्मेशन थी उस पर्टिकुलर फैक्ट की और ट्रांजेक्शन की, द नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट इज बाइंडिंग ऑन। तो फिर जो नॉलेज है उसको, जो बात पता है उस फैक्ट के रिस्पेक्ट में, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है, जो नॉलेज है उसे उस पर्टिकुलर फैक्ट के रिस्पेक्ट में, वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। ही कैन नॉट डिनाई द नॉलेज ऑफ दैट फैक्ट एंड इवन इफ इट गोज अगेंस्ट हिम। तो अगर उसके खिलाफ भी जाती है तो आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मुझे नहीं पता था, या मेरी नॉलेज में नहीं था, या मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, राइट। So these are the terms which has been defined in your interpretation clause section 3 में transfer of property act के। Now only one term is left, that is actionable claim। वो हम जब last chapter पढ़ेंगे actionable claims related subsections पढ़ेंगे तब हम उसको वहां पे discuss करेंगे, right? So this was all about today's session। I hope you have understood it well। Section 3 समझ में आया हो, क्योंकि important section है। इमोवेबल प्रॉपर्टी से तो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है एग्जामिनेशन में, कि कौन से इमोवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी नहीं है, इसमें एक लिस्ट आ जाती है प्रीलिम्स में, तो वो इम्पोर्टेंट है। आई होप समझ में आया होगा। एंड प्लीज लाइक दिस सेशन, एंड इफ एनी डाउट यू कैन रीच मी आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, एंड आई विल बी शेयरिंग द पीपीटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ऑन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।